अभी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवा करके, थोड़ा सा हल्का बॉडी को वार्म अप करके, और आपको कमर के लिए एक्सरसाइज बताएंगे, पेट बहुत गड़बड़ रहता उसके लिए एक्सरसाइज बताएंगे, कुछ कुछ खास खास योगाभ्यास जो विशेष लाभकारी हैं अलग अलग रोगों में, उनका कुछ स्पेशल अभ्यास होगा। तो बॉडी को वार्म अप करने के लिए लंबे लंबे श्वास लें, इसको योगिक जोगिंग हम बोलते हैं। ये योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार बॉडी को वार्म अप करने के लिए, जनरल हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। लेस फिजिकल एक्टिविटी, दिस इज द मेजर कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। लंबा लंबा श्वास लिया करो और पैर देखो ऐसे ऐसे, कुछ कुछ आगे की तरफ ऐसे ऐसे करते हैं, ये नहीं, कुछ केवल पीछे की तरफ करते हैं, पैर देखो ऐसे, ये पहला, फिर ऐसे पूरा हाथ खोल देते हैं तो दूसरा हो गया। जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द हो, धीरे धीरे करना, ये दूसरा हो गया। शरीर को यदि पूरा व्यायाम मिलता रहे तो ये शरीर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा रहेगा आपका। ये दूसरा हो गया, इसको फास्ट करें तो ऐसे हो जाता है, ऐसे ही है, कमर में ज्यादा दर्द है तो ज्यादा जोर से उछल कूद मत करना। तीसरा तीसरा अभ्यास इसका ये है, घुटना उठाया, छाती से लगाया, तो ये ऐसे, अब इसको फास्ट करें तो ऐसे कर देते हैं। दोनों हाथ कमर के साइड में लगा लिए और ऐसे। अब कमर में दर्द वालों को तो ऐसे धीरे धीरे करना पड़ेगा, और कमर में दर्द नहीं है तो ऐसे फास्ट भी कर सकते हैं, ये है ना, ऐसे ये। अब चौथा अभ्यास ऐसे, ये घुटने के लिए, घुटने भी तो वीक हो रहे हैं, तो पूरी बॉडी को वार्म अप करने के लिए, पूरे शरीर को व्यायाम देने के लिए, कंप्लीट फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज। और ये बहुत सहज है, सहज व्यायाम, सर्वांगीण व्यायाम, बहुत तरह का व्यायाम सब नहीं कर सकते, तो ये 12 स्टेप्स हैं। ये चौथा हो गया, अब पांचवा, पैरों में थोड़ा फासला, थोड़ा देखो ऐसे हाथ सामने रखो और ऐसे झुको, ऐसे सामने की तरफ से, सामने की तरफ से ऐसे, दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ ऐसे रहेंगे, ये ऐसे ऐसे, और जो पूरे जवान हो तो ऐसे बैठ सकते हो, ऐसे बैठ के, और ऐसे उठने में दिक्कत आएगी, जो जवान है, बच्चे हैं वो तो कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब ऐसे हाथ, और दाहिने पैर पर बैठिए, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो रही है डिफरेंट एंगल से, शरीर को बहुत सुंदर, स्वच्छ, सुडोल, आकर्षक बनाना है ना। हम लोग मॉडल्स को देखते रहते हैं, अपना मॉडल खराब कर लेते हैं, तो खुद को रोल मॉडल बनना है, अपने शरीर को खूबसूरत बनाना है, ये ऐसे पीछे वाला पैर सीधा होता है, आगे वाले पैर पर ऐसे बैठ, अच्छा है ना, इससे दोनों पैरों की लेग के मसल्स को पूरी एक्सरसाइज मिलती है, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो रही है बहुत अच्छे तरीके से। छह हो गए, अब सातवां, दोनों हाथ सामने, ये श्वास अंदर भर के हाथ साइड से जाते हैं ऐसे, और सीना सामने से तन जाता है, ये हाथों के लिए, सीने के लिए, गर्दन के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा है।
कुछ समझ में आई बात? सात, अब आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, पांच अभ्यास बच गए, मोटापे के लिए भी बहुत अच्छे, ठीक है ना? तो आप सब तो चाहते हो सब पतले होना, तो ये रोज कर रहे हैं ना आप, त्रिकोणासन, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, उसकी हथेली नीचे की ओर, सामने देखिए और साइड से झुकते जाइए। अरे धीरे धीरे करो, रुको, थोड़ा खींचने दो, फिर वापस आए, फिर दूसरी ओर से, ऊपर वाला हाथ सीधा, हथेली नीचे की ओर, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ और साइड में झुकना है। ये कमर दर्द वाले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमर दर्द है तो आराम आराम से कीजिए, कमर में दर्द नहीं है तो अधिकतम झुकने की कोशिश कीजिए और थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। कितनी बार करना है? 100 बार कर लो, धीरे धीरे बढ़ा लो, क्या दिक्कत है? कितनी देर लगेगी? 4-5 मिनट लगेंगे बस, ठीक है? तो ये ऐसे कर लो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे घटता ही जाएगा। तो जोरदार काम है ना, कितनी पतली सी कमर होगी यार। इतनी सी होनी चाहिए देखो कमर है। अबे हमारा मोटू राम, अब इसको ऐसे पकड़ेगा तो बीच में एक पूरा हाथ आ जाएगा ऐसे। तो अब देखो, ये कमर में दर्द है तो आगे मत झुकना, खाली कमर दर्द वाले इतना ही करना, इतना। ये कमर दर्द वाले हाथ घुटने तक, कमर में दर्द नहीं है तो हाथ नीचे टखने तक। कमर दर्द वाले ऐसे करो, ऐसे जान लगा करके काम किया करो, कुछ ऐसे बाबा जी बहुत हो गया, बस 5 बार करते हैं बहुत हो गया, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाओ। तो अब कमर दर्द वालों को खाली इतना करना है, देखो ये इतना और इतना, हाथ घुटनों तक लाना, से कमर दर्द नहीं है तो हाथ नीचे पंजों तक, और ऐसे पहले दिन ये 10 बार से ज्यादा नहीं किया जाता, धीरे धीरे इसको बढ़ाते हैं, आगे पीछे के सारे मसल्स की ट्यूनिंग फर्स्ट क्लास हो जाएगी, पूरी बॉडी की फर्स्ट क्लास ट्यूनिंग होनी चाहिए ना। तो ये आगे झुकने से देखो, पीछे के सारे मसल्स एड़ी से लेकर के और यहां तक, और जब पीछे झुकते हैं तो ये थोड़ी से लेकर के और पैर के अंगूठे तक, आगे पीछे के सारे मसल्स फर्स्ट क्लास, ठीक। नेक्स्ट, एक
दो तीन चार ऐसे, और जो बलवान हैं थोड़ा फास्ट कर लो, और जो कमर में दर्द वाले हैं, कमजोर हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे कर लो। ये धीरे वाला है, ये ऐसे थोड़ा हलचल तो हो, ऐसे पैर गया ये, और ये ऐसे, और बाकी पूरी छलांग लगाओ ऐसे, ये ऐसे, हाँ जैसा जिसका सामर्थ्य है ऐसे। हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है, बाकी ऐसे ऐसे करो। ये एक पैर ऐसे साइड में गया, हाथों में पैरों में पूरी हलचल हो रही है, कमर में दर्द, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो ठीक है ना। तो कितने हो गए? 11। 12। ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर को हिला देते हैं, ये योगिक नृत्य हो गया। दोनों हाथ सामने, एक तरफ हाथ उधर ही कुल्ले ऐसे 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 करो, देखो ऐसे ऐसे जोरदार है ना। हाथ पैर वहीं के वहीं, पैर वहीं, ऐसे कूदना नहीं, ऐसे वहीं ऐसे ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर, हा? पूरा घूम गया ना। खैर ये 12 अभ्यास हो गए। अब बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए दो एक्सरसाइज अच्छी है, ऊर्ध ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन। ऐसे खींचो ऊपर, बहुत सुंदर कर रहे हैं तो सब। थक गए? थको मत। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, हाथ ऊपर। अब चलो सभी राइट साइड में झुको। अब राइट लेफ्ट में आप गड़बड़ हो जाता है, चलो ऐसे सामने 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 देखो, साइड में झुको, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, साइड से जाओ ऐसे। देखो इससे पूरे साइड के मसल्स की ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, एक्सिस फैट भी मेल्ट होगा। अब थोड़ा फास्ट कर दो, हाथों का, पैरों का, कमर का पूरा व्यायाम हो गया, ठीक है। ये इतनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बैठ जाओ, कोई भी आसन में बैठ जाओ, चाहे तो आप ऐसे वज्रासन में बैठ जाओ, चाहे पैर खोल के बैठ जाओ। जिनको भी कमर में दर्द है उनके लिए कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं अभी, ठीक है। तो कमर में दर्द वालों को एक तो ये अभ्यास ज़रूरी है, एक तो ये, कमर में दर्द होता है तो धीरे धीरे फिर ऊपर की ओर आता है, तो गर्दन में भी दर्द हो जाता है, कंधों में भी दर्द हो जाता है। दर्दों के लिए एक तो औषधियाँ देते हैं, वो आपको देने की, चाहे घुटनों में दर्द है, चाहे कमर में दर्द है, उसके लिए औषधि ले लेना, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, उसके लिए। साथ में
घुटनों की एक्सरसाइज, ये तो हाथों की एक्सरसाइज हो रही है, कंधों के लिए, गर्दन के लिए, एक तो ये, दूसरा ऐसी ये कंधों के लिए, गर्दन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लंबे लंबे श्वास लेते हैं, ऐसे करते हैं, दूसरी तरफ से भी। ऐसी ये, फिर ये ऐसे सिर के पीछे से हाथों को खींचते हैं। तो ये गर्दन के पीछे के दर्द के लिए, कंधों के दर्द के लिए जरूरी है। फिर ये सिर के पीछे हाथ ऐसे लगा लेते, फिर ऐसे साइड से हाथ लगा लेते हैं। ये अभ्यास आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं, पैर सीधे करके भी कर सकते हैं। ये खड़े होकर भी हो जाते हैं अभ्यास, खड़े खड़े भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, जमीन पे बैठ के कर सकते हैं। फिर ऐसे कंधों को ऐसे हिला दिया, ऐसे दोनों तरफ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। फिर ऐसे गर्दन के लिए, गर्दन को दाईं ओर घुमा दिया, फिर गर्दन को बाईं ओर घुमा दिया, ऐसे ये अभ्यास। गर्दन को आगे झुका दिया, फिर पीछे झुका दिया, और अब गोल घुमा दिया ऐसे, आराम आराम से। एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से, ये फिर दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे मोड़ लीजिए, अंगूठा खुला हुआ, और अंगूठे को अंगूठे से मिला दिया, उंगलियों को पीछे से मिला दिया ऐसे, और श्वास अंदर भर के इसमें पूरा खिंचाव आता है गर्दन तक, कंधों का दर्द, गर्दन का दर्द, सर्वाइकल स्पोंडाइलिटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर की समस्या। ऐसे इसको 5-7 बार कर सकते हैं। कमर दर्द के लिए एक तो ये सूक्ष्म में है, फिर अगला अभ्यास उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन या अर्धचंद्रासन, ये ऐसे अभ्यास ये होता है, ये उष्ट्रासन ऐसे होता है, जिनसे ये हो पाए वो ये कर लेना, ये नहीं हो पाए तो हाथ ऐसे रख लो, ये अर्ध उष्ट्रासन हो गया। एड़िया खड़ी रहती है तो बैलेंस ठीक बनता है, पैरों में थोड़ा सा फासला, और ऐसे झुक गए। उष्ट्रासन या अर्धोष्ट्रासन या अर्धचंद्रासन भी अच्छा है। अब बच्चे तो सिर पीछे टिका देते हैं एड़ियों पर, लेकिन अपने से तो नहीं हो पाएगा ना, अभी उम्र बड़ी होगी ऐसे तो ऐसे, और दर्द है कमर में तो उसमें फायदा करेगा। चलो अब कमर दर्द के लिए पूरा पैकेज बता रहे हैं आपको। इसके लिए पहली उंगली के पीछे ये भी एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, ये दबाना। फिर ये मैंने बताया था आपको, ये रिंग फिंगर के पीछे बीच के पोरवे के दोनों तरफ दबाने से कमर में दर्द अच्छा हो जाता है। कमर दर्द के लिए ये अभ्यास जरूरी है। पहले आपको कमर दर्द के लिए बताएंगे, फिर पेन क्रिएटाइटिस के लिए, और नाभि धरण डिग जाती है उसके लिए। जो अभ्यास नाभि धरण के लिए, पेन क्रिएटाइटिस के लिए बताएंगे, वो डायबिटीज के लिए भी अच्छे होंगे।
ये कमर की तो दिक्कत थोड़ी बहुत सभी को रहती है। एक तो हिंदुस्तान में सड़कें जितनी अच्छी होनी चाहिए वैसे नहीं है, दूसरा हम कभी ना कभी वजन ऐसा उठा लेते हैं ज़्यादा, गलत तरीके से बैठते हैं और गलत तरीके से सोते हैं। कमर दर्द का कारण गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से सोना, गड्ढों में तेज तेज चलना, बार बार कमर में झटके लगना, वजन उठाना और ज़्यादा विलासिता, उससे भी कमर में दर्द होता है। भोग विलास में ज़्यादा फंसते हैं और धातु रोग होते हैं, डिकोरिया होता है, पुरुषों को कमजोरी होती है, उससे भी ये प्रॉब्लम होती है कमर दर्द की। वजन ज़्यादा होने से भी कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है। अब दोनों हाथ छाती के दोनों साइड ऐसे सामने से उठाना, थोड़ी देर इस स्थिति में रुकना, रुकिए थोड़ी देर, बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी, इसमें कोहनियाँ थोड़ी झुकी रहती हैं और अच्छा होता है। इसमें जितना हो सके पीठ को नीचे की ओर दबाते हैं, छाती को ऊपर की ओर उठाते हैं, फिर नीचे आ गए। ऐसे दो तीन बार इस अभ्यास को कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ा कर। फिर दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, ये दूसरा अभ्यास है भुजंगासन का। हथेली पर हथेली और सामने से हाथों को सीधा कर दिया और ऐसे उठ गए पूरे। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकिए, तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। श्वास अंदर भर के रोक के रखते हैं थोड़ी देर ऐसे। फिर नीचे आ गए। अब दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, पैरों में फासला, पैरों में फासला, पैर पीछे से खुले हुए, तिर्यक भुजंगासन। ये ऊपर से नीचे तक पूरी स्पाइनल कोड को एक्सरसाइज में देता है ये आसन। अब कंधे के ऊपर से पीछे अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखा, फिर नीचे आ गए। फिर दूसरी ओर से आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं। कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखना, इससे ऊपर से नीचे तक पूरी स्पाइनल कोड को एक्सरसाइज मिलती है, यह अद्भुत है। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत जबरदस्त है। ऐसे भुजंगासन का चौथा अभ्यास ऐसे होता है, दोनों हाथ साइड से उठा देते हैं और ऐसे उठाते हैं, सामने से पूरा उठ जाता है, इससे भी स्पाइनल कोड को एक्सरसाइज मिलती है। नेक्स्ट शलभासन। अब पीछे से एक एक पैर को उठाएंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे, एक एक पैर को पीछे से उठाना, नीचे लेके आ जाना। ये एक अभ्यास है कमर के लिए। दूसरा, इसमें हाथ एक सामने खोल दिया, एक हाथ सामने कान से लगा हुआ, दूसरा हाथ पीछे कमर के ऊपर, सामने से दाएं हाथ, पीछे से बाएं पैर उठाते हैं क्रॉस करके, इससे भी कमर दर्द अच्छा होता है। कमर दर्द अच्छा कैसे होता है, क्रॉस कर लीजिए, एक तो कमर की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो जाती हैं और हड्डियों का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का बैलेंस हो जाता है। ये मैकेनिज्म है कमर दर्द अच्छा होने का योग से। क्रॉस करके उठाते हैं ऐसे और अब दोनों हाथ पीछे रख देते हैं, अब सामने से उठाते हैं, ये सामने से उठा दिया, इतना तो सब कर सकते हैं। फिर अब दोनों तरफ से उठा दिया, सामने से भी और पीछे से भी,
अब हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हर्निया है तो मत करना। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हर्निया है तो मत करना। शेष दोनों पैरों को पीछे से टखने के नीचे से पकड़ लेना और ऐसे उठा देना दोनों तरफ से। कुछ बहनें तो बहुत अच्छा कर रही हैं, कुछ भाई भी। मोटे वालों से तो अच्छा होना चाहिए, ऑटोमेटिक हो जाता है। बोले बाबा ऑटोमेटिक तो हो जाए, पकड़ में तो आए। चलो अब सीधे लेट जाओ। कमर दर्द के लिए अब पांच अभ्यास सीधे लेट के, चार उल्टे लेट के थे, अब पांच सीधे लेट के, तीन बैठ करके, 12 अभ्यास हो जाते हैं 12 तरह के। कमर दर्द वाले याद रखना, ज़्यादातर का तो करते करते ही ठीक हो जाता है। घुटने पंजे पास में, दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन, आराम आराम से करना। फिर दूसरी ओर से, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में, श्वास अंदर। ये हो गया मरकटासन का पहला अभ्यास। इससे कमर एकदम हल्की हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है। फिर देखो, पहले में ये अभ्यास दो तीन बार कर सकते हैं ऐसे। आज आपको एक ही बार करवाया है। अब घुटने पंजों में फासला, ये दूसरा अभ्यास ऐसे। एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में, जिधर पैर, दाई तरफ पैर झुका रखे हैं, बाई तरफ गर्दन है। ये कमर के लिए ऐसे एक एक अभ्यास को आप दो तीन बार कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका तीसरा अभ्यास है मरकटासन का। एक पैर को उठाया, अपोजिट साइड में लेके गए, जितना इजी ले जा सकते उतना लेकर के जाए। इससे कमर एकदम सेट हो जाती है ऐसे। ये मरकटासन का तीसरा अभ्यास हो गया। अब हाथ नीचे ले आओ, अब एक एक पैर को ऊपर उठाओ, नीचे लेके आओ। ये वेट के लिए भी अच्छा है, ये कमर के लिए भी अच्छा है। एक पाद उत्तानासन ऐसे, ये ऐसे ही पैर मोड़ना, एक एक पैर को ऐसे मोड़ना। जिनको कमर में दर्द है उनको बहुत फायदा होता है ऐसे। एक एक पैर से पहले करना और फिर दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हो। एक पाद उत्तानासन और ये अर्ध पवन मुक्तासन। ऐसे दबाते हैं, पूरा दबा देते हैं पैर, घुटनों से लगा देते हैं, घुटनों को छाती से लगा देते हैं। फिर अगला अभ्यास कंधरासन। बीच से कमर को उठा दिया, अब ये नाभि के लिए भी अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है, कमर के लिए भी अच्छा है, पेनक्रियाटाइटिस के लिए भी अच्छा है। ये कंधरासन। और अब कराते हैं आपको कटियुत्तानासन। कमर को ऊपर की ओर तान दो, फिर नीचे दबा दो। ये ऊपर की ओर तान दिया, फिर नीचे की ओर दबा दिया।
ये 12 अभ्यास कमर के लिए हैं।